दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है लाइटनिंग अरेस्टर। और आजकल बारिश का समय चल रहा है और आकाश से बिजली जो होती है, लाइटनिंग होती है, वो काफ़ी हो रहे हैं। तो इसके लिए सेफ्टी के लिए बिल्डिंग्स में किस तरह से इसे असेंबल किया जाता है, कैसे फिटिंग किया जाता है, आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कॉपर लाइटनिंग अरेस्टर है और जो इसे पूरा असेंबल करने के बाद ये कंप्लीट लाइटनिंग अरेस्टर हो जाता है। तो ये इसके कील है जो इसे इस तरह से यहाँ पे फिट करना पड़ता है। और ये पाँच रहते हैं टोटल यहाँ पे, और ये इसका बेस प्लेट है। और इसे असेंबल करके हमारा लाइटनिंग अरेस्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ये एक तरह का पीवीसी टेप है जो कि कॉपर स्ट्रिप में लगता है। कैसे लगता है आगे बताऊंगा। और इसके बाद जो हमारा है, ये हमारा इंसुलेटर होता है जो कि लगता है नट बोल्ट के साथ में। और इसके साथ में और भी चीज़ यूज़ होते हैं, जैसे हमारा ये पीवीसी पाइप के साथ, और ये एल्बो यूज़ होता है, और कुछ नट बोल्ट यूज़ होते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमारा लाइटनिंग अरेस्टर जो है, इस तरह से जो कील होते हैं इसके पाँच, इसे लगा दिया जाता है। और जो उसके बगल में आपको दिख रहा है, ये हमारा 3 मीटर का जीआई पाइप है जिसमें हमारा इंसुलेटर को इस तरह से फिट किया जाता है। उसके बाद ये हमारा जो 1 मीटर का जो कॉपर का रड रहता है, उसके बेस पे बेस प्लेट लगाया जाता है। ये हमारा बेस प्लेट है नीचे में, और इस तरह से इसे कंप्लीट असेंबल किया जाता है। तो सबसे पहले जो ये कंप्लीट असेंबल होता है, तो इसमें जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, वो 915 mm के लगभग, मतलब 1 मीटर के आसपास का इसका लेंथ होता है। इसका जो डाया होता है वो 9.2 mm होता है, और जो इसका वजन होता है, वेट, वो होता है 1.3 kg। तो इस तरह से एक हमारा कंप्लीट लाइटनिंग अरेस्टर हो जाता है, और उसे फिर इस तरह से यहाँ पे फिटिंग किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे इंसुलेटर के साथ में दो नट बोल्ट लगा के इसे इस तरह से यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर को फिट कर दिया गया है। और इसमें हम लगाते हैं फिर जो स्ट्रिप होता है कॉपर का, उसे लगाते हैं। तो उसके लिए ये जो हमारा पीवीसी का कवर है, इसे पहले नापना पड़ता है, और इस ये वाला जो कॉपर स्ट्रिप होता है, इसी में हमें इसे लगाना पड़ता है। तो हम चलिए कॉपर स्ट्रिप को इस तरह से खोल लेते हैं, उसके बाद हम जो कवर है उसे लगाएंगे। तो ये कवर को देखिए, इस तरह से यहाँ पे लगाना पड़ता है, धीरे धीरे लगाना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक प्लास्टिक की तरह ही होता है, कहीं से स्क्रैच होके ये फिर कट फट ना जाए, इसलिए इसे इस तरह से आराम से लगा दिया जाता है। तो इस तरह इसे लगाने के बाद, इस जो कॉपर जो स्ट्रिप होता है, ये लगभग 1 इंच का होता है, और इसका जो डाया होता है, थिकनेस होता है, मोटाई, वो लगभग 2 से 2.5 mm का होता है। और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इसे होल, ताकि हम इसे नट बोल्ट के माध्यम से फिट कर सकें। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसे कर लिया है होल, और इसे अब जो है टेप लगा के इसे पहले बढ़िया तरह से कवर कर लेंगे, और इसे हमें जीआई पाइप में पार करना है इस तरह से। तो यहाँ से हम इसे पार करेंगे, और ये आगे टॉप में चला जाएगा जहाँ पे हमारा लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, वहाँ पे उसे हमें नट बोल्ट लगा के यहाँ पे फिटिंग करना पड़ेगा। तो ये देखिए, हमारा कॉपर का स्ट्रिप यहाँ पे आ चुका है, और इसे हम थोड़ा सा मोड़ लेंगे, और यहाँ पे जो इंसुलेटर लगा हुआ है, उसी के साथ में जो नट बोल्ट है, वहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर टोटल 4 नट बोल्ट लगते हैं, जिसमें 2 हमारा लाइटनिंग अरेस्टर में लगा हुआ है, और जो 2 है ये कॉपर का जो स्ट्रिप है, कॉपर का जो पत्ती है, वहाँ पे इसे हमें फिट करना पड़ेगा। तो चलिए, इसे अब हम फिट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमने इसे मोड़ लिया है, और इस पे जो नट बोल्ट हमें लगाना है, उसे अब हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा नट बोल्ट लग गया है, इसे जोर से हमें फिट करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा बढ़िया से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लाइटनिंग अरेस्टर। अब इसे हमें जहाँ पर भी लगाना है, वहाँ हम इसे लगा देंगे। अब ये हमारा पूरी तरह से असेंबल हो चुका है, और इसे हमें बिल्डिंग के टॉप पे लगाना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे जहाँ पे ऊपर में टॉप में लगेगा, तो नट बोल्ट लगा के इसे कंक्रीट करना पड़ेगा, और ये जो कॉपर का जो स्ट्रिप है, वो टॉप से लेके पूरा ग्राउंड तक आएगा। और जो हमारा यहाँ पर अर्थिंग किया हुआ है, मतलब जो अर्थ इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ है, उसे उसके साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अर्थ इलेक्ट्रोड के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, काफ़ी डिटेल में बनाया है, शुरू से आखिरी तक किस तरह से अर्थिंग होता है, उसके बारे में बताया हुआ है। तो उसे आप देखिए जाके, आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो अब अर्थ इलेक्ट्रोड में हमें इसे कनेक्ट करना है, तो इसके लिए होल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसे हम पहले होल कर लेते हैं, और नट बोल्ट की सहायता से जो अर्थ इलेक्ट्रोड है, वहाँ पे हम लगा देंगे। तो अर्थ इलेक्ट्रोड जो होता है, इसमें हमारा जो केमिकल लगता है अर्थिंग के लिए, ये कुछ इस तरह का केमिकल यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और से केमिकल डालने के बाद जो पाउडर में फॉर्म में होता है, और जो उसके साथ में जो पानी डालना पड़ता है, और फिर उसे हमें
जो वो काफ़ी लो रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हमारा अर्थिंग काफ़ी अच्छा हो जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे इसे हम फिट कर देंगे और ये हमारा अर्थिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगता है बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।